हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार जब भी हम हॉर्टिकल्चर पढ़ाते हैं अपने बीसीएजी के स्टूडेंट्स को, कहीं ना कहीं इंसेक्ट मैनेजमेंट या डिजीज मैनेजमेंट में ये टर्म आ ही जाते हैं, फेरोमोन्स, एलोमोन्स, कैरोमोन्स, सिनोमोन्स। तो बच्चे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि होते क्या। फेरोमोन्स में भी कई प्रकार के फेरोमोन्स मतलब होते हैं, उनका जो फेरो मतलब कई प्रकार के यूजेस होता है, यूजेस के अनुसार वो बढ़ जाते हैं। सेक्स फेरोमोन्स, एग्रीगेशन फेरोमोन्स और अलार्म फेरोमोन्स, ट्रायल फेरोमोन्स। तो कई बार होता है कि पूछ लिया जाता है कि किसमें कौन सा फेरोमोन यूज किया जाता है, कौन सा हम केमिकल्स यूज करते हैं, तो वहां पर बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाता है। तो आज मैं सोचा हूँ कि बस इसको एक एक दो दो लाइन में, तो उनका अंतर क्या है, टेबुलर फॉर्म में आज कोशिश किया हूँ आपको समझा सकूं। तो जैसा कि आपका फेरोमोन्स जनरली होता क्या है कि फेरोमोन्स एक प्रकार का केमिकल्स होता है, जैसा कि आपका हार्मोन्स होते हैं, ये भी उसी प्रकार का इंट्रा स्पेसिफिक केमिकल्स होता है कि विद इन स्पीसीज में, एक ही स्पीसीज में एक मेल दूसरे फीमेल को कम्युनिकेट करता है या फीमेल मेल को कम्युनिकेट करता है, वाइस वर्सा। तो इसमें क्या होता है कि अब वो अपने को कम्युनिकेट करने के लिए इंसेक्ट क्या करता है कि साउंड सिस्टम निकाल, साउंड आवाज निकालते हैं पहला। दूसरा क्या करते हैं, वो केमिकल्स सिक्रेट करते हैं कि जो बहुत दूर तक आस जो हो वो केमिकल्स की गंध की वजह से वो एक दूसरे के पास आ सके। तीसरा क्या होते हैं, कई प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो लाइट्स फ्लैश करते हैं, लाइट्स जलाते हैं, लाइट जैसे कि हम लोग जुगनू जिसको बोलते हैं, वो हमेशा लाइट जलाते रहता है मेल को, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे के लिए। तो साउंड सिस्टम से कम्युनिकेट करना, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो जाता है उनका। तो जो केमिकल का था, जो दूसरा प्रकार का था कि केमिकल सिक्रीट करके, तो जो केमिकल जो इनका एलिलो केमिकल से सेमियो केमिकल से जो भी यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए, इंसेक्ट के द्वारा यूज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फेरोमोन्स। अब इसके डिफरेंट पर्पज हो जाते हैं कि हम जो है कम्युनिकेशन हम करते क्यों हैं। कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं कि एक दूसरे को हम मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, पता कराने के लिए, और फीमेल मेल को अट्रैक्ट करने के लिए कई कम्युनिकेट करते हैं। किसी भोजन को पता कराने के लिए, फूड फूड्स का जब पता चलता है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं कि आओ खाना मिल गया है, या किसी का किसी जगह अटैक कर दिया किसी ने, तो अलार्म फेरोमोन्स तुरंत छोड़ते हैं, आवाज करते हैं, मिमिक करते हैं, या कोई केमिकल्स छोड़ देंगे कि भागो यहाँ से, किसी का अटैक हुआ है। जैसे कि हम लोग मधुमक्खी के छत्ते में जब अटैक करते हैं तो वो लोग भी वहां पर फेरोमोन्स छोड़ते हैं, तो जितने भी उनके सैनिक होते हैं वो सब तैयार हो जाते हैं और तुरंत आके हम लोगों पे वो एलोमोन्स के माध्यम से अटैक। उसी तरह से इनका अपना सबका अपना हार्ड केमिकल्स यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के माध्यम। तो सिंपल शब्दों में केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन इन इंसेक्ट इज नोन एज फेरोमोन्स। कि ऐसा कोई भी रासायनिक पदार्थ या तत्व जो केमिकल सिक्रीट करता है किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम फेरोमोन्स कहते हैं। और वो सेक्स फेरोमोन्स हो सकता है, सेक्स फेरोमोन्स में जनरली फीमेल को यूज किया जाता है, इसको फीमेल जो फेरोमोन्स होगा उसको यूज करते हैं मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। अलार्म फेरोमोन्स, अलार्म फेरोमोन्स में क्या करते हैं कि मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, दोनों एक दूसरे को सूचित करते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। एग्रीगेशन में पता लगा लेते हैं कि खाना कहाँ पर है, तो दोनों भी यहाँ पर भी दोनों कोई भी मेल फीमेल दोनों से क्रिएट करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। सेम चीज ट्रायल में होता है कि ट्रायल का फेरोमोन्स मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी कॉलोनी शिफ्ट करना, जैसे चींटियां करती हैं। चींटियां देखो जब चलती हैं तो एक ही लाइन में चलती हैं, वो क्या करती है केमिकल से सिक्रेट करती रहती हैं। अगर आप कभी एक लाइन में चल रही हैं आप, और क्या करो उनको कि बीच में स्क्रबर से उसको पूरा पानी के माध्यम से या कोई सॉप लेके रगड़ दो कि उसका फेरोमोन्स वहां से हट जाए, तो वहां के केस में क्या होता है कि वो फिर तुरंत दूसरा खोजने का रास्ता या दूसरी अपने कम्युनिकेट करने का जरिया खोज लेते हैं तुरंत, और एक दूसरे से वो कम्युनिकेट भी हो जाते हैं। तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट है फेरोमोन्स का उपयोग, अब हम एग्रीकल्चर के उससे बताएं तो सबसे इंपॉर्टेंट इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर कल्टीवेशन है, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का सबसे बढ़िया टूल होता है।
आपको इंसेक्ट मैनेजमेंट में सबसे बढ़िया टूल होता है कि आप मेल या फीमेल, मेल इंसेक्ट को या फीमेल इंसेक्ट को जिनकी भी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, सेक्स फेरोमोन हम क्या करते हैं फील्ड में स्टेब्लिश कर देते हैं, फीमेल फेरोमोन्स को छोड़ देते हैं, और जिससे कि मेल का पूरा के पूरे फील्ड में वहां पर आते हैं, और उसके बाद उनको हम वहां पर अट्रैक्ट एंड किल सिस्टम के माध्यम से मार देते हैं। तो ये IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एक बहुत बढ़िया टूल है। फेरोमोन्स आप यूज करिए और अपने इंसेक्ट को मैनेज करिए विदाउट केमिकल्स। इवन आजकल फेरोमोन्स के साथ में इंसेक्टिसाइड्स भी यूज होने लगे। अब हम दूसरे पे आते हैं कि एलोमोन्स क्या होते हैं। पहले मैं एक चीज और आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ, फेरोमोन्स एलोमोन्स कैरोमोन्स सिनोमोन्स ये सब केमिकल है इंसेक्ट या प्लांट्स के द्वारा या इवन मेरे हम इंसानों के द्वारा भी ये सिक्रेट्स होते हैं, हम इनको बाहर निकालते हैं। अब इनका काम के अनुसार कि किस प्रकार का केमिकल कैसा काम करता है, उस काम के अनुसार हम इसको क्या करते हैं अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे एलोमोन्स, फेरोमोन्स में क्या हुआ कम्युनिकेशन में यूज होता है, एलोमोन्स में क्या होता है हम अपने को डिफेंस करते हैं, केमिकल यूज फॉर द डिफेंस पर्पज। जैसे किसी का अटैक हो गया तब तो हमें बचना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें बचना है तो हम क्या करेंगे, कोई केमिकल ऐसा सीक्रेट कर देंगे कि उसको सामने वाले को पसंद ही ना आए, वो बेचारा तुरंत भाग जाए, जैसे कि गंदी बग हो गया। ठीक, इसी प्रकार के और एग्जाम्पल होते हैं, कई प्रकार के उल या फिट्स सीक्रेट करता है अपना केमिकल्स, एंट्स करते हैं, जब एंट्स पे अटैक होता है वो भी केमिकल छोड़ देते हैं, तो उनके जो भी प्रीडेटर स्प्रे होते हैं भाग जाते हैं उनसे। तो प्रीडेटर स्प्रे से बचने के लिए इंसेक्ट क्या करता है केमिकल से सिक्रेट कर देता है, और जिससे जो उसके प्रीडेटर स्प्रे होते हैं उसकी बदबू उसकी गंध से वो दूर चले जाते हैं। और इसका एलोमोन्स का अच्छा एग्जाम्पल होता है कि जैसे मधुमक्खी, आपको बताया ही मैं कि मधुमक्खी के क्या होता है ओविपोजिट्रॉन, वहां एक ऐसा कैंप पाया जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस की जैसे कुछ होता है वो तुरंत दूसरे पे अटैक कर देते हैं। इसी तरह से वास्प में है, इसी तरह से आपकी चींटियों में भी पाया जाता है, आप उस पर अटैक करो देखो तुरंत केमिकल सिक्रेट करके तुम्हें जहां भी काटेगा केमिकल सिक्रेट कर देता है। फिर हम आते हैं कैरोमोन्स, कैरोमोन्स भी एक प्रकार का इंटर स्पेसिफिक केमिकल्स होता है या एलिलो केमिकल्स होता है। इसमें क्या होता है कि जो सिक्रेट करता है उसका नुकसान हो जाता है और जो दूसरा रहता है अटैक करने वाला उसका फायदा हो जाता है। यहां पर है कि आप देख सकते हैं द केमिकल्स दैट बेनिफिट द रिसीवर रेदर देन द इमिटर। बेनिफिट द रिसीवर मतलब जो अटैक कर रहा है उसको फायदा पहुंचाएगा रेदर देन इमिटर, जो सिक्रेट कर रहा है उसका नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि कैरोमोन्स के माध्यम से इंसेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें किस प्लांट पे अटैक करना है किस प्लांट पे नहीं। जैसे कि टमाटर में फ्रूट बॉरर लगेगा और बगल में कोरिएंडर, तो उसको पता है कि टमाटर में जो केमिकल सिक्रीट्स होगा जो आपका केमिकल्स निकलता है सोलेनिन या जो कुछ भी हो जिसके माध्यम से जो खुशबू आती है उसमें, तो उसको वो आइडेंटिफाई कर लेता और वहीं पर वो अपना जाके होस्ट प्लांट बना के अटैक कर। दूसरा अपने लोगों में सबसे बढ़िया, हमारे में पसीना होता है या जो भी पसीने के माध्यम से जो भी गैसेस है जो कुछ भी निकलता है बाहर, जो मॉस्किटो मच्छर होता है उसी के माध्यम से वो आइडेंटिफाई कर लेता है। केमिकल से तो हमारे से निकल रहा है लेकिन फायदा कौन उठा रहा है दूसरा। तो ऐसी जो केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं कैरोमोन्स। फिर उसके बाद हम आते हैं सिनोमोन्स। सिनोमोन्स में क्या होता है कि दोनों फायदा उठाते हैं, निकालने वाला भी और सामने वाला जो उस पर आता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है क्या पॉलिनेटर्स, जितने होते हैं पॉलिनेटर्स से जितने होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको जाते हैं अपना वो सुगंध से पहचान लेते हैं, जाते हैं अपना पॉलन लेते हैं, पॉलन सक करते हैं, फीमेल पे पहुंचाते हैं, उनका पॉलिनेशन हुआ, अपना ये पॉलन इकट्ठा करके ले जाके हनी बना रहे हैं। तो ये सिनोमोन्स होते हैं। अब सिंपल देखो एक ही लाइन पे फिर से समझा दे रहा हूँ, फेरोमोन्स होता है जो कम्युनिकेशन में यूज होता है, एलोमोन्स होता है जो डिफेंस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, कैरोमोन्स होता है जो रिसीवर को फायदा देता है अपने को नुकसान करता है मतलब मूर्ख, सिनोमोन्स होता है जो दोनों को फायदा करते हैं, जैसा कि आपका राइजोबियम आप पढ़ते हो ना राइजोबियम सिंपल होता है, या जितने भी पॉलिनेटर्स होते हैं पॉलिनेशन प्रैक्टिस में जो भी होता है सिनोमोन्स कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सेमियो केमिकल्स से एलिलो केमिकल्स को इन्होंने दो भागों में बांट रखा है। मैंने ये आपका फिगर लिया है इंसेक्ट फेरोमोन्स एंड देयर यूज इन पेस्ट मैनेजमेंट 1988।
तो इसमें देख सकते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब विद इन स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अंदर। इंटर स्पेसिफिक मतलब कि इंटर एक एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज, एक जीनस का दूसरे जीनस के लिए उपयोग किया जाता है। फेरोमोन्स आपका इंटर स्पेसिफिक होता है, और फेरोमोन्स और रेलोमोन्स क्या होते हैं आपके? इंटर स्पेसिफिक होते हैं। फेरोमोन्स क्या क्या हो सकता है? फेरोमोन्स हो सकता है, रेलोमोन्स भी हो सकते हैं, टॉक्सिक भी हो सकता है, मेटाबोलाइट्स भी हो सकता है, और यूज्ड इन होस्ट प्रेव लोकेशन फ्लोरल सेंस में किया जाता है। जब येलोमोन्स का हम कहा करते हैं, डिफेंस एक्टिविटीज में यूज करते हैं। ओके, आप दूसरा ये भी देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि जहां पर भी प्लस माइनस का डिनोट है आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज ए वो क्या करता है? सिक्रेट करता है। और इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज बी वो क्या है? रिसीवर है। मतलब ए जो है स्पीसीज ए वो आपका होस्ट प्लांट है, स्पीसीज बी वो आपका अटैक करने वाला प्रीडेटर पैरासिटाइट से कुछ भी मान सकते हैं, या इंसेक्ट है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। एलोमोन के केस में क्या कर रहा है? वो जो सिक्रीट करने वाले है उसको फायदा पहुंचा रहा है, जो सिक्रीट करने वाला है उसको फायदा पहुंचा रहा है। और ये देख सकते हैं इंडिविजुअल ये सिक्रीट कर रहा है, अपने आप को ही बेनिफिट पहुंचा रहा है और इसको नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि कैरोमोन के केस में क्या हो रहा है? दूसरे को ये फायदा पहुंचा रहा है, अपने आप को बेचारा नुकसान पहुंचा रहा है। और सिनोमोन के केस में इंडिविजुअल स्पीसीज ए भी फायदे में जा रहा है और स्पीसीज बी भी जा रहा है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो और आपको ये जो टर्म्स हैं अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।